प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत के आचार्योपदेशा पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ का नाम आचार्योपदेशा, इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक एक, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। का है पुष्प सृजम कंठ समर्पयति, फूलों का हार गले में कौन अर्पित करता है, कौन समर्पित करता है? उत्तर होगा शिवराजा अर्थात शिवाजी। खा है वृत्तम केन रक्ष्यते, चरित्र की रक्षा कैसे की जाती है? उत्तर है धर्म भयेन, धर्म के भय से। गा प्रश्न है अद्य मे किम निवृतम, आज मैं किससे निवृत्त हो गया? उत्तर होगा मोहावरणम, मोह के आवरण से। घा प्रश्न है नृपः धर्मान केन पालयेत, राजा धर्म का पालन कैसे कराए? उत्तर होगा नियमेन। डा है शिवराजम भारतक वीरा इति शब्देन कह संबोधयति, शिवाजी को भारत का एक वीर इस शब्द से कौन संबोधित करता है? उत्तर होगा श्री राम दासः। प्रश्न क्रमांक दो, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का प्रश्न है शिवराजस्य गुरुः कः आसीत, शिवाजी के गुरु कौन थे? उत्तर होगा शिवराजस्य गुरुः श्री रामदासः आसीत, शिवाजी के गुरु श्री रामदास थे। प्रश्न क्रमांक खा, क्षत्रियस्य परो धर्मः किम अस्ति, क्षत्रिय का श्रेष्ठ धर्म क्या है? उत्तर होगा क्षत्रियस्य परो धर्मः दुष्कृताम हिंसनम साधूनां च परित्राणम अस्ति, क्षत्रियों का धर्म दुष्टों को दंड देना और सज्जनों की रक्षा करना है। गा प्रश्न है शिवराजस्य साहायार्थम श्री रामदासम किम करोति स्म, शिवाजी की सहायता के लिए श्री रामदास क्या कर रहे थे? उत्तर होगा शिवराजस्य साहायार्थम श्री रामदासा प्रतिमठे राष्ट्रभाव भावितान सत्सा युवगणान निर्माति स्म, शिवाजी की सहायता के लिए श्री रामदास ने प्रत्येक मठ में सैकड़ों युवागणों का निर्माण कर रहे थे। घा प्रश्न है कीदृशा युवगणा भावी रणे सहाया भविष्यन्ति, कैसे युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे? उत्तर होगा राष्ट्रेक वक्ता युवगणा भावी रणे सहाया भविष्यन्ति, राष्ट्र का भक्त युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे। अगला प्रश्न है शिवराजस्य अभीष्टम का संपादयतु, शिवराज की इच्छा को कौन पूरा करे? उत्तर होगा शिवराजस्य अभीष्टम भगवती परदेवता संपादयतु, शिवराज की इच्छा को भगवान परमात्मा पूरा करें। प्रश्न क्रमांक तीन, रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। का है वृत्तम यथा, उत्तर होगा धर्म भयेन रक्षेते। खा है प्रजायतज्ञो नियमेन पालयेत। गा है मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भाविता। घा है अपितु त्वमसि मे द्वितीयम हृदयम। आ है भारतेक वीर संपादयतु तवावीष्टम। एक बार फिर से सुन लें, वृत्तम यथा धर्म भयेन रक्ष्यते, प्रजायतज्ञो नियमेन पालेत, मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भाविता,
अपितु त्वमसि मे द्वितीयं हृदयं भारतेक वीर संपादयतु तवाविष्टम। प्रश्न क्रमांक 4, संधि विच्छेदम कुरुत। दिए हुए शब्दों के हमें संधि विच्छेद करना है। आप चाहें तो इनके नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद दिए जा रहे हैं। गमितो अस्मि संधि विच्छेद होगा गमितः धनस्मि, त्वयमसि का त्वयम धनसि, निर्भिस्तता का निर्भी धन तथा भगवत एव आरब्धे भारत एक वीरा संप्रति धनपि प्रतिष्ठे धन अहम तव धन अविष्टम योग धन उपचित राष्ट्र धन एक धन भक्ते। प्रश्न क्रमांक 5, संधिम कुरुत। दिए हुए संधि विच्छेद शब्दों से हमें संधि शब्द का निर्माण करना है। पहला शब्द है संकर धन अंशेन धन अवतीर्णस्य। उत्तर होगा इसका, एक संधि शब्द बनेगा संक्रांसेनावतीर्णस्य। वर्णाश्रमे धन अस्मिन का बनेगा वर्णाश्रमेस्मिन। उत धन मूल्य का बनेगा उन्मूल्य। राष्ट्र धन उद्धरण धन उद्यमे का बनेगा राष्ट्रोद्धरण रोद्नवे। डा उत धन ईक्षते का बनेगा उदीक्षते। प्रश्न क्रमांक 6, श्लोकम पूर्यत। श्लोक को पूर्ण करो। वित्तम यथा धर्म वयेन रक्षते निर्भिस तथा नैव नरेंद्र शासनात् धर्मान सदाचार परानतो नृपा प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत। इस प्रकार आप पुस्तक से देखकर श्लोक को पूर्ण कर लें। प्रश्न क्रमांक 7, संस्कृतेन भावार्था लिखत। संस्कृत में भावार्थ लिखो। दिए हुए पैराग्राफ का आपको संस्कृत में ही अनुवाद करना है, संस्कृत में ही भावार्थ लिखना है। दिया हुआ वाक्य है व्यायाम योगो पचिता सत्वसंगा विद्या कला दंड नय प्रतिष्ठिता राष्ट्रवक्ता उपधावी शोधिता भवन्तु ते भावीरणे सहाया। इसका इस प्रकार भावार्थ लिखा जाएगा संस्कृत में, राष्ट्रम प्रति एक वक्ता, व्यायामेन योगेन च अंगानाम शक्ति संपन्ना, विद्यासु कलासु दंडनीते कुशला, धर्मे अर्थे च संस्कारतः भविष्ये युद्धे सत्सा योगणा तव सहाया भवन्तु। अर्थ अगर हिंदी अर्थ करते हैं तो इस प्रकार होगा, राष्ट्र का एक एक भक्त व्यायाम से और योग से मजबूत हुए अंगों से शक्ति संपन्न विद्याओं में कलाओं में दंड नीति में कुशल धर्म और अर्थ से संस्कारित युवा भविष्य के युग में सैकड़ों नवयुवक तुम्हारे सहायक होंगे। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नांकित शब्दान आदृत्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के आधार पर वाक्य रचना करो। दिष्टया अर्थात कृपा पूर्वक, सदाचारा का अर्थ है सदाचार, परित्राणम का अर्थ है रक्षा करना, धर्म शासनम का अर्थ है धर्म का शासन, राष्ट्रीय भावना का अर्थ है राष्ट्र के प्रति भावना। इसके वाक्य इस प्रकार निर्मित होंगे, अद दिष्टया कृतार्थताम गमितो अस्मि। सदाचारः का है सदाचारः परमोधर्मा, परित्राणम का है साधुनाम परित्राणम, क्षत्रियस्य परोधर्मा, धर्म शासनम का है त्वयं स्वधर्म शासनम प्रवर्तय, राष्ट्रीय भावना का है मया राष्ट्रीय भावना भाविता युवगणा निर्माति स्म। प्रश्न क्रमांक 9, अर्थानुसारम युग्म निर्माणम कुरुत। अर्थ के अनुसार जोड़ी बनाइए। का है साधु नाम, उत्तर होगा तीसरा रक्षणम शिवराजा, उत्तर होगा पांचवा श्री रामदासा,
दुष्कृतम, उत्तर होगा चौथा हिंसनम, धर्म भयेन, उत्तर होगा पहला रक्षयते, संपादयतु, उत्तर होगा दूसरा तवाभीष्टम। एक बार फिर से सुन लें, साधुनाम रक्षणम शिवराजा श्री रामदासा, दुष्कृतम हिंसनम, धर्म भयेन, रक्षयते, संपादयतु, तवाभीष्टम। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नांकित पदानाम विलोम पदानि लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर इस प्रकार होंगे, मया का त्वया, निवृतम का शब्रतम, तव का मम, उत्थानम का पतनम, अस्मिन का तस्मिन। धन्यवाद छात्रों।